था ही चालक के बीच में लगने वाला फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हम लोगों को पढ़ना है, अगर दो समांतर धारावाही चालक है, ऐसे एक चालक इसको मान लेते हैं और एक चालक इसको मान लेते हैं, दो चालक है हमारे पास, दोनों में I1 और I2 धारा मान लेंगे, इसमें करंट मान लेते हैं I1 है और इसमें करंट मान लेते हैं I2 है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ऐसे स्मॉल r है, ऐसे ये दो वायर है हमारे पास, इसको मान लेते हैं A, AB नहीं, B को चुंबकीय क्षेत्र मानना है, P Q R S वो तार है, इनके बीच में कितना फोर्स लगता है वो हमें ज्ञात करना है। माना दो समांतर धारावाही चालक तथा आर एस स्मॉल आर दूरी पर रखे गए हैं, दोनों चालकों में एक ही दिशा में क्रमशः I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब याद ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है, पहले समझ लीजिए, अगर कोई चालक है, मैं उस वर्ड में बताया था उसकी वैल्यू, अगर कोई चालक है इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, तो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताया गया है, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई बाई आर, एक टू से टू क्या करते हैं काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा टू पाई म्यू जीरो आई बाई टू पाई आर, इतना होता है। और डायरेक्शन दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर एक, अंगूठा धारा की दिशा में, चारों अंगुलियां वहां जहां चुंबकीय क्षेत्र हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा जहां पर निकालना होगा वो हथेली के धक्का देने की दिशा में अंदर होगा। तो वही चीज वही यहां अपनाएंगे हम लोग। अब यहां पर जो है हम देखते हैं दो चालक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, हैं चालक इक्यू, चालक इक्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी वन बराबर, चालक PQ में करंट जा रही है ऊपर स्मॉल r दूरी पर, यानी इस तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, अंदर होगा, कहाँ होगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा, और वैल्यू कितनी होगी म्यू जीरो I1 बाई टू बाई आर, और डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर, अंदर को किससे लिखते हैं क्रॉस से, इसमें बना देते हैं ऐसे, चालक ला रेड है, इसके कारण हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तार पर ब्लैक बोर्ड के कहाँ होगा, अंदर होगा, ऐसे अंदर होगा, ऐसे हर पॉइंट पर। इसके कारण यह जो वायर सेकंड वाला आर एस वायर है वह चुंबकीय क्षेत्र किस में रखा गया है, बी वन में, और बी वन की वैल्यू होगी
म्यू जीरो अपॉन टू पाई आर, डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर होगी। अब इसको कर सकते हैं समीकरण नंबर एक। एक क्रॉस का मतलब होता है इसका जो डायरेक्शन है ब्लैक होल के कहाँ है, अंदर। इसका मतलब ये हमारा चालक जो आर एस है, जो हमारा चालक आर और एस है, एक किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, V1 में रखा गया है। और जब कोई चालक, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर क्या लगता है, बल लगता है। और वो बल कितना हुआ लिखते हैं यहाँ पर, धारावाही चालक आर एस, धारावाही चालक आर एस चुंबकीय क्षेत्र V1 में स्थित है। V1 में स्थित है, अतः धारावाही चालक आर एस के L लंबाई पर लगने वाला बल बराबर I2, इसमें कितनी करंट बह रही है, I2, IB क्या है, V1, IB कितनी लंबाई पर, L लंबाई पर, IB यानी sin 90। sin 90 किसके किसके बीच का कोण है, L और चुंबकीय क्षेत्र V1। L कहाँ है, ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर। तो ऐसे है, तो अंदर है और तार वायर ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो उनके बीच का कोण क्या डिग्री, 90 डिग्री। और V1 की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो F बराबर I2, अब V1 की जगह पर म्यू जीरो यहाँ I1 है, म्यू जीरो आई वन होगा, ये म्यू जीरो I1 बाई 2πr यानी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, या पहले एक बार और लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू पाई, क्या हो जाएगा, I2 बाई R इंटू R। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी इसको भी देख लेते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र करंट जा रही है ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र देखिए कहाँ है, ऐसे, करंट ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें देखिए एक करंट है, ध्यान दीजिए फिर से, फादर मदर चाइल्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, देखिए ऐसे हाथ रखे हैं हम, ऐसे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। तो हम फोर्स का डायरेक्शन इधर बना दे रहे हैं, इस साइड में बना दे रहे हैं, यह F है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। इसकी वैल्यू होगी F बराबर μ0/2πr1I2πr2πr। यह लगता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में यह लंबाई पर बल, क्योंकि तार बहुत बड़ा होता है, एक हमेशा निकालते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। यहाँ पर चालक के एकांक लंबाई पर
लगने वाला बल। एकांक लंबाई का मतलब होता है बराबर न्यू जीरो अपन वाई टू पाई आई वाई आई टू वाई आर। या एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को फिर से हम यह लिख सकते हैं, या क्या है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, न्यू जीरो अपन टू पाई आई वाई आई टू वाई आर, इतना न्यूटन पर मीटर, इतना फार्मूला होता है। इसी तरह से हम चाहे तो इस तार के कारण देखते हैं इस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसको भी देख लेते हैं। किसी एक का ही ध्यान में पूछेगा कि किसी एक के द्वारा ही इतना सफिशियंट है, इसी को हम रिपीट करते हैं दूसरी तार से। राइट हैंड रूल नंबर वन, दाएं हाथ का आखिरी का नियम नंबर एक, देखिए अंगूठा करंट की दिशा में, चारों उंगलियां वहां जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा, इसको ऐसे हम कर दे रहे हैं, इसमें ऐसे हुआ बिंदी से हुआ ऐसी, इसका मतलब होता है ब्लैक बोर्ड के बाहर, इसके कारण ब्लैक बोर्ड के बाहर। और यहाँ पर बी टू बराबर होगा न्यू जीरो आई टू वाई टू पाई आर, इतना होगा। डायरेक्शन कहाँ होगा ब्लैक बोर्ड के बाहर होगा, तो बी टू बराबर लिख सकते हैं कितना न्यू जीरो आई टू वाई टू पाई आर, और डायरेक्शन क्या होगा ब्लैक बोर्ड के बाहर होगा। अब ये जो चालक पी क्यू है या किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है बी टू, इस पर भी फोर्स रहेगा, अब फोर्स कितना होगा लिखते हैं, अर्थात चालक पी क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी टू में स्थित है, अतः लंबाई पर लगने वाला बल एफ बराबर कितनी करंट बह रही है I1 B की जगह पर B2 L साइन 90, क्योंकि धारा इधर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, तब हो जाएगा एफ इज इक्वल टू I1 और B2 की जगह पर न्यू जीरो I2 वाई आर एल, या हो जाएगा एफ बराबर न्यू जीरो टू पाई आर है, टू पाई आर न्यू जीरो अपॉन टू पाई I1 I2 वाई आर इंटू आर। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल
काम को लंबाई पर लगने वाला बल एकाउंट लंबाई पर लगने वाला बल एफ वाई एल बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर इतना न्यूटन प्रति मीटर। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं किधर होगा, किससे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ये करंट है, करंट कहाँ है, ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर। करंट ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, फोर्स ऐसे इधर लगेगा, तो इस साइड में फोर्स लगेगा, इसके द्वारा ऐसे लगेगा। ये वायर इस वायर को खींचेगा, ये वायर इस वायर को खींचेगा, दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ना कर दीजिए, अब नोट में इसको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए ऐसे। एक फिगर और बना लीजिए, फिर नोट में लिख लीजिए। ये फार्मूला हो गया म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर न्यूटन पर मीटर। अगर मान लीजिए ऐसे दो वायर हमारे पास है, एक में करंट ऊपर जा रहा है और एक में करंट नीचे आ रहा है, ऐसे दो बार है। इसमें करंट है आई वन, इसमें करंट है आई टू। ध्यान दी, ये हमारे पास है पी क्यू, ये है आर। इसके द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अंदर की ओर, देखिए अंदर। अंदर के लिए क्या बनाते हैं, क्रॉस। अंदर की ओर, और इस पर फोर्स किधर लगेगा देख लेते हैं। फोर्स करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये हमारा क्या है, करंट है। करंट कहाँ है, नीचे। सॉरी, ये करंट कहाँ है, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखिए ऐसे मैग्नेट करंट नीचे, मैग्नेटिक पे उठा कहा बाहर। इसके द्वारा यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा ऐसे। इस वायर के कारण महाराज इसको धक्का दिया उधर। इस वायर को देखते हैं, इसमें करंट कहाँ रही है, नीचे। इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ भी क्या लगेगा, अंदर। अंदर जब लगेगा तो अंदर तो ऐसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगा, अंदर, तो फोर्स इधर लगेगा। देखिए करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, ऊपर। करंट कहाँ है, ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट है ऊपर, फोर्स इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगेगा। तो ये कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण। तो एक नियम बन जा रहा है, इसको याद रखिए, जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो दोनों के बीच में आकर्षण बनता है, और जब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में धारा विपरीत दिशा में बहती है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बनता है, और दोनों बल बराबर होंगे। और दोनों बल जो होते हैं, एफ बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर। इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला क्या है, बल है। फिगर को बना लीजिए और फिर इसको नोट में लिख लीजिए। देखिए नोट, नोट में लिखिए नंबर एक। यदि दो समांतर धारावाही चालक में धारा
प्रभावित हो रही है तो दोनों चालकों की बीच में आकर्षण बल लगता है। नंबर दो, यदि दोनों चालकों ने धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो दोनों चालकों के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। एम्पियर की परिभाषा भी इसी फार्मूला से दी जाती है, एफ बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आर वन आर टू आर। आपने क्या किया, आप टू का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर फोर पाई का किया। अगर इसमें आई वन और आई टू बराबर एक एम्पियर धारा दिया जाए, आर बराबर एक मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो एफ बराबर कितना आएगा, आई वन आई सब एक हो जाएगा, तो टू की जगह पर टू और म्यू जीरो अपॉन फोर पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। तो एक एम्पियर की परिभाषा देखिए क्या मिलेगी,
एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जिसे निर्वात या वाय दोनों हो सकता है, जिसे निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित, एकांक दूरी पर दोनों तारों के बीच की दूरी क्या हो, एकांक, एकांक दूरी पर स्थित दो लंबे समांतर रिजरेखीय तारों में प्रवाहित किया जाए, तो प्रत्येक तार एक दूसरे को 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। एक एम्पीयर की परिभाषा होती है।